व्हाट्स अप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। आज वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप का एक शॉर्ट एनालिसिस लेके आया हूं। अब वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप का पहला दिन खत्म हुआ है, जहां पे बहुत कुछ हमें देखने को मिला आज के दिन में। पहला दो मैच नेपाल ने बुया निकाला, उसके बाद अगले दो मैच में इंडिया ने बुया निकाला, उसके अगले दो मैच में जाके पाकिस्तान ने बुया निकाला। ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को कि पूरा वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के आज के छह मैच स्क्रिप्टेड है। नहीं यार, स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग भी थोड़ा शॉक हो गए थे, मैं और एरो भाई जब कास्टिंग कर रहे थे आज। बहुत एक्सपीरियंस हमें हुए, मैंने पहली बार आज रॉकी भाई के साथ कास्टिंग भी कर ली। चलो, जो रॉकी भाई ने वीडियो में कहा था कि औरों के साथ कुछ ना कुछ करेंगे इन फ्रंट आफ फ्रंट आके, वो हो गया। चलो फाइनली इट्स डन। आप लोगों ने आई होप कि एंजॉय किया होगा। देखा जाए तो आज के छह मैचेस में ना बहुत कुछ हमें देखने को मिला। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो इंडिया ने वहां पे दो बुया निकाला, नेपाल ने दो बुया निकाला, एंड हमारे पाकिस्तान की टीम ने भी दो बुया निकाला। बट शुरुआती वक्त में जो पाकिस्तान एंड नेपाल की टीम ने सवाल पूछे ना, ऐसा सब लोग जो कह रहे थे ना कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इंडिया आपको ऊपर ही चलते नजर आ जाए। या ओवरऑल स्कोरबोर्ड में आपको वही दिख रहा होगा दिन के अंत पे कि टॉप चार में तीन टीम इंडिया की और एक नेपाल की टू भी गेमर है। बट अगर आप लोग थोड़ा जाके मैचेस देखोगे ना, मैं एनालिस्ट कास्टर पर्सपेक्टिव देख रहा हूं, बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने छह के छह मैचेस आज क्लोजली नोटिस किया है, देखा है कि पाकिस्तान और नेपाल की टीम्स बिल्कुल भी कम नहीं है। उनके उन्होंने भी उतना ही तैयारी किया है जितना हमारे इंडियन टीम्स ने तैयारी किया है, तो वो भी किसी भी वक्त यहां पे यू नो मात दे सकती है हमारी इंडिया की टीम को। बट अभी भी चार दिन बाकी है, 24 गेम्स खेले जाने बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। आप जरूर से पूछोगे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप में आप क्या लगता है कौन जीतेगी, इंडिया पाकिस्तान या नेपाल। देखिए अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का पहला दिन टर्नआउट हुआ ना, मैं खुद सोच में पड़ गया हूं कि यार अब होने क्या वाला है। सब लोगों ने बहुत इक्वल अमाउंट में दिया, एंड ये एक ऐसा परफेक्ट एंडिंग हुआ है ना, सब लोग ये सोच रहे हैं कि यार पूरा स्क्रिप्टेड एंडिंग था। अब बारी आती है सबसे मजेदार पॉइंट की आज के दिन। जैसे मैंने स्पेसिफिकली बोला, टीजी टोटल गेमिंग के साथ यहां पे एनएक्सटी मतलब टू बी गेमर का जो फाइट हुआ, मतलब इंडिया वर्सेस नेपाल। अब इसमें स्पेशल क्या है आप पूछोगे, क्योंकि वहां पे ड्रेगो है जो टोटल गेमिंग का एक अहम हिस्सा है अभी इस साल से। अब देखा जाए तो वो इस टूर्नामेंट में पहले रजिस्टर किया था उन्होंने 2B गेमर के साथ, इसीलिए उनको इसी टीम से खेलना पड़ रहा है। अब जब अगर आप अपने करंट टीम के प्लेयर के साथ फाइट ले रहे हो, कैसा सिचुएशन होगा। अब बहुत बार ऐसा हुआ कि रोहित को वहां पे टेक डाउन किया गया ड्रेगो की तरफ से बहुत ज्यादा नो ग्रेनेड के साथ, क्योंकि हमें पता है कि ड्रेगो किस लेवल का ग्रेनेडियर है, किस लेवल का एक फायर पावर से भरपूर वाला प्लेयर है। एंड दैट्स इट, आई थिंक इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से करते हैं। हम लोगों का अगला गोल 5 के सब्सक्राइबर्स का है, जल्दी जल्दी 5 के सब्सक्राइबर्स से आप लोग जरूर से मुझे पहुंचाना चाहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे सेफ गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।